स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादिया। करीब ढाई साल से रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। दोनों देश जंग का दंश झेल रहे हैं। जंग के बीच अचानक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। रूसी राष्ट्रपति ने समझौते को लेकर यूक्रेन से बातचीत के लिए हामी भरी है। पुतिन ने कहा है कि भारत, चीन या ब्राजील दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं। आज हम बताएंगे, दिखाएंगे रिपोर्ट के जरिए कि आखिर पुतिन के मूड में अचानक से ये बदलाव क्यों आया है, क्यों पुतिन यूक्रेन से बातचीत को लेकर तैयार हुए हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्या बोस के प्लान की वजह से जंग पर विराम लगेगा। इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए, समझिए और कोशिश कीजिए जानने की कि आखिरकार ये जो बदलाव हुआ है, अचानक से हृदय परिवर्तन जो हो रहा है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है। फरवरी 2022 से रूस यूक्रेन में जंग जारी। दोनों देशों में जानमाल का नुकसान भारी। युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। व्लादिमीर पुतिन ने भरी मध्यस्थता पर हामी। बॉस का प्लान, रूस यूक्रेन जंग पर विराम। रूस यूक्रेन जंग कब खत्म होगी, ये सबकी व्यथा है, क्योंकि ढाई साल पहले शुरू हुई लड़ाई मानवता पर भारी पड़ रही है। यूक्रेन में हजारों लोगों की संख्या में मौत हो चुकी है। कई लाख लोगों को यूक्रेन से पलायन होना पड़ा है। युद्ध की वजह से यूक्रेन खंडहर में तब्दील हो चुका है। रूसी मिसाइलों और तोपों की मार से यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। युद्ध के दौरान यूक्रेन को ही नहीं, रूस को भी जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के लाखों सैनिकों की जान जा चुकी है। बड़ी संख्या में रूसी तोपों को यूक्रेनी सैनिकों ने निशाना बनाया है, लिहाजा रूस को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है और ये बात किसी से छिपी नहीं है। इतना ही नहीं, रूस को नाटो और यूरोपियन यूनियन के बैन का भी सामना करना पड़ रहा है। मतलब साफ है कि हानि और परेशानी दोनों देशों में है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वे जंग में समझौते को लेकर यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार हैं। पुतिन ने कहा है कि भारत, चीन या ब्राजील दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं। दरअसल पुतिन ने रूस के शहर व्लादिवास्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बातचीत में कहा कि 2022 में जब जंग शुरू हुई थी, तब तुर्की में दोनों देशों के बीच समझौता कराने की पहल हुई थी। हालांकि उन शर्तों को कभी लागू नहीं किया गया। अब नए सिरे से बातचीत शुरू करने के लिए पिछली कोशिशों को आधार बनाया जा सकता है। चौबीस फरवरी 2022 में जंग शुरू होने के एक महीने बाद रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में कई दौर की बातचीत हुई थी। इसका मकसद जंग रोकना था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जंग रोकने के लिए दो शर्तें रखी थी। अब आपको बताते हैं कि पुतिन की दो शर्तें क्या थी। पुतिन की पहली शर्त, यूक्रेन को दोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और जोपार्जिया से अपने सैनिक हटाए। पुतिन की दूसरी शर्त, यूक्रेन कभी भी नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा।
हालांकि यूक्रेन ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था। नतीजतन जंग लगातार जारी है। यूक्रेन के हालात बेहद खराब हैं। रूस यूक्रेन जंग में दोनों देशों के दावे। रूस यूक्रेन जंग को 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। इस बीच अब तक यूक्रेन में जबरदस्त तबाही हुई है। यूक्रेन में 12,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 19,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। यूक्रेन के 32,000 सैनिकों की जान जा चुकी है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि रूस के 1.8 लाख से 2 लाख सैनिक जान गंवा चुके हैं। रूस के करीब 3.9 लाख सैनिक जख्मी हुए हैं। अमेरिका का दावा चौंकाने वाला है। जंग में मरने वालों की तादाद कहीं ज्यादा है। अमेरिकी अधिकारियों की माने तो ये संख्या 70,000 है और घायलों की संख्या 1,20,000 से ज्यादा है। वहीं अमेरिका ने रूस की 500 कंपनियों पर बैन लगाया है, जिससे रूस की आर्थिक हालत खस्ता हो चुकी है। आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार है जब रूस की धरती पर किसी विदेशी ताकत ने कब्जा किया हो। यूक्रेन ने 2 हफ्तों में रूस के 1,263 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 2024 के 8 महीने में जितने इलाके पर कब्जा किया है, उससे ज्यादा जमीन यूक्रेन ने 2 हफ्तों में कब्जा कर लिया है। ये तो दावे हैं, लेकिन असल में दोनों देश जंग से मुक्ति चाहते हैं। पुतिन ने जंग में मध्यस्थता की बात करके अपनी मंशा को जाहिर कर दिया है, लेकिन इसके पीछे असली वजह क्या है वो जानना जरूरी है। पिछले महीने पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐसी ही मंशा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि युद्ध रोकने के लिए अगली वार्ता दिल्ली में होनी चाहिए। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो वहीं पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के 2 हफ्ते से भी कम समय में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। दरअसल पुतिन ने यूक्रेन से युद्ध विराम के लिए वार्ता पर सहमति जताई है, जिसने सभी को चौंका दिया है। हर कोई हैरान रह गया है कि जो जंग इतने वक्त से जारी थी, अब उस पर सहमति जाहिर की गई है। ऐसे में पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन दौरे के दरमियान युद्ध खत्म करने की जो पहल की थी, वो अब रंग लाती नजर आ रही है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की बोस की छवि ही 30 महीने से जारी जंग को खत्म कराने में कारगर साबित हो सकती है। ऐसा अब नजर भी आ रहा है, कयास भी लगाई जा रही है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस में भी कहा था कि हिंसा से किसी भी चीज का समाधान नहीं हो सकता है, समाधान के लिए बातचीत करना जरूरी है, शांति वार्ता करना जरूरी है, तभी समाधान निकलता है। जंग में तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में कहा था कि युद्ध की धरती से बुद्ध के संदेश में भारत भरोसा करता है। भारत भगवान बुद्ध की भूमि है, इसीलिए भारत रूस यूक्रेन में स्थायी शांति का समर्थक है। यूक्रेन जंग पर विराम लगाने के लिए भारत की कोशिशें रंग लाती दिख रही है। पिछले कुछ महीनों में पीएम नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम लगाने के लिए भारत मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि चीन, भारत और ब्राजील यूक्रेन पर संभावित शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं।
हालांकि पुतिन ने कहा कि रूस का पहला उद्देश्य यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र को कब्जे में लेना है, लेकिन पुतिन के शांति वार्ता की बात के मायने जानने की जरूरत है। आइए इसको आपको समझाते हैं। शांति की पहल कर चुके पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के करीब एक महीने बाद यानी कि जुलाई में रूस के दौरे पर गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी का दो दिवसीय रूस का दौरा बेहद अहम माना गया क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी की ये पहली यात्रा रूस यात्रा थी। पीएम मोदी ने कहा कि जंग कभी भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार नहीं है। पीएम मोदी ने रूस की धरती पर कहा कि भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए शांति बेहद जरूरी है। मैं ये भी जानता हूँ कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं है, हमें वार्ता से ही शांति का मार्ग तलाशना होगा। मतलब साफ है कि पीएम मोदी ने शांति के लिए जोरदार पहल की। सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ समय पहले समर्थन में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया के मुलाकात के लिए गया, वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है, और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाश करें। पोलैंड से पीएम मोदी का शांति संदेश। रूस दौरे के ठीक 45 दिन बाद पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे। इस यात्रा में पीएम मोदी ने युद्ध की धरती पर बुद्ध का संदेश दिया। पीएम मोदी ने पहले पोलैंड और फिर यूक्रेन में शांति की अपील की। पीएम मोदी ने बड़े ही दमदार तरीके से पोलैंड में ये कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है। पीएम मोदी ने पोलैंड में कहा था कि भारत इस अशांत क्षेत्र में शांति का समर्थन करता है। भारत भगवान बुद्ध की भूमि है, इसलिए भारत इस क्षेत्र में स्थायी शांति का समर्थक है। हिंदुस्तान का रुख बेहद साफ है, मानवता के लिए खतरा पैदा करने वाली चुनौतियों के खिलाफ एकजुट होने का समय है। यूक्रेन में मोदी बोले, जंग विनाशकारी। पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचे और गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास मेरिंस्की पैलेस पहुंचे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध की विभीषिका से दुख होता है, युद्ध बच्चों के लिए विनाशकारी है। पीएम मोदी ने हर हाल में जंग को खत्म करने की अपील भी की। वहीं राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शांति शिखर सम्मेलन में मेजबानी के लिए भारत का नाम प्रस्तावित किया। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हम चाहते हैं कि युद्ध खत्म करने के लिए भारत हमारी तरफ आए, न कि कोई बैलेंसिंग कदम उठाए। जेलेंस्की ने पीएम नरेंद्र मोदी के समक्ष भी ये प्रस्ताव रखा। जेलेंस्की ने कहा था कि वो चाहते हैं कि शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करे। जेलेंस्की का ये बयान कुछ नीतिक रूप से अहम माना गया। प्रथम यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन जून में स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था, जिसमें 90 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया था। इंडिया विल प्ले दिस रोल। आई थिंक दैट इंडिया बिगन टू रिकॉग्नाइज दैट दिस इज नॉट जस्ट कॉन्फ्लिक्ट, दिस रियल वॉर ऑफ वन मैन एंड हिज नेम इज पुतिन अगेंस्ट होल कंट्री व्हिच नेम इज यूक्रेन। एंड you're a big country, you have big influence, and you can stop Putin, and you can stop and halt his economy and put him really on his place. And his place, you know where is his place.
पहले अमेरिका भी कई बार इस बात को दोहरा चुका है, भारत चाहे तो युद्ध रुकवा सकता है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से इस मसले पर बातचीत हुई, जिसमें यूक्रेन के हालात पर बातचीत हुई। आपको बता दें कि यूक्रेन भी चाहता है कि भारत मध्यस्थता करे, और अब पुतिन ने भी भारत के मध्यस्थता बात करके अपनी सहमति जताई है। ऐसे में अगर भविष्य में कभी रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने पर शांति वार्ता हुई तो पीएम नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका होगी, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि भले ही रूस यूक्रेन जंग या आतंकवादी हो, जो कोई भी मानवता में यकीन करता है उसे जीवन खो जाने पर दर्द होता है, खासकर जब बेकसूर बच्चे मर जाते हैं। ये आपके दिल को खून से भर देता है और वो दर्द असहनीय होता है। ऐसे में रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने के भारत के सकारात्मक पहल से भारत के विश्व गुरु की छवि का लोहा दुनिया मानेगा। बस इंतजार कीजिए। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ रूस की संभावित शांति वार्ता में भारत, चीन और ब्राजील मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यूक्रेन और यूक्रेन से ठीक पहले रूस की यात्रा की थी। पीएम नरेंद्र मोदी के इन दोनों देशों की यात्रा काफी चर्चाओं में भी रही थी, पूरी दुनिया की नजर इन यात्राओं पर टिकी हुई थी। दोनों यात्राएं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थीं और दुनिया भर में इसकी काफी चर्चाएं हुई थी। विदेशी मामलों के बारे में अगर जानकारी हासिल की गई, जानकारों से भी बातचीत की गई, तो जानकारों की तरफ से तमाम तरह की बातें कही गई। कुछ जानकारों का कहना है कि पुतिन की तरफ से ये बयान ऐसे ही नहीं आया है, ना देशों का नाम पुतिन की ओर से लिया गया है, उसमें भारत पर विश्वास कहीं अधिक है। इसके पीछे कई कारण भी है। अमेरिका समेत कई दूसरे देश ऐसे हैं जो कि चीन पर शायद उतना भरोसा नहीं कर सकते हैं जितना कि भारत पर है। साथ ही प्रधानमंत्री का दोनों देशों में आना जाना भी रहता है और अपने स्टैंड पर कायम रहना काफी कुछ दर्शाता है। इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मध्यस्थता पर कहा, ब्रिक्स के देश ही इस मसले पर बोल सकते हैं। जाहिर है कि रूस का इस तरह का बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई सवालों को जन्म दे रहा है। क्या रूस यूक्रेन से युद्ध करके थक गया है, या युद्ध के दौरान हुए नुकसान से रूस घबरा गया है? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ रूस की संभावित शांति वार्ता में भारत, चीन और ब्राजील मध्यस्थता की अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन रूस का ये बयान ऐसे समय में आया जब कुछ दिन पहले ही यूक्रेन की यात्रा से पीएम नरेंद्र मोदी भारत वापस लौटे हैं, और इससे पहले रूस का भी दौरा कर चुके थे। पीएम मोदी ने दोनों ही यात्राओं के दौरान कहा था कि किसी भी मसले का हल युद्ध नहीं हो सकता है। लेकिन यूक्रेन यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर रूस से तमाम प्रतिक्रियाएं देते हुए ये साफ किया गया था कि यूक्रेन संकट के राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान की दिशा में किया गया व्यवहारिक प्रयास बताया था। रूसी विदेश विभाग ने भारत को एक प्रभावशाली वर्ल्ड पावर बताया जो अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार अपनी विदेश नीति बनाता है। रूस ने यह भी कहा कि वो यूक्रेन के मुद्दे पर अपने भारतीय दोस्तों के साथ बातचीत जारी रखने के लिए तैयार है।
यूक्रेन में शांति लाने को लेकर अमेरिका ने साफ कर दिया था कि अमेरिका ऐसे किसी भी देश का स्वागत करता है जो यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने में मदद करने का प्रयास करना चाहता है। दुनिया के अलग अलग मंचों पर पुतिन के बयान कई मायनों में खास रहे। पुतिन भी शांति वार्ता का समर्थन कर चुके हैं। जाहिर है कि रूस का अगर एशिया में सबसे कोई भरोसेमंद साथी है तो भारत है। लगातार रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत शांति वार्ता के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया 24/7। फिलहाल इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।